क्या तुम कहीं बाहर घूमने की सोच रही हो? और मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में यही ख्याल आ रहा होगा कि प्रेगनेंसी के दौरान ट्रैवलिंग कैसे की जाए। पर डॉक्टर की बताई कुछ बातों को ध्यान में रखकर इस दौरान भी तुम ट्रैवलिंग का मजा ले सकती हो। ट्रैवलिंग के लिए हमारे जो एल्डर्स हैं और गायनेकोलॉजिस्ट में थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। एक बात बिल्कुल क्लियर है, अगर पेशेंट को मिसकैरेज की हिस्ट्री है या इस पर्टिकुलर प्रेगनेंसी में मिसकैरेज हुआ है या फिर हिस्ट्री पुराने प्रेगनेंसी में ये है कि अर्ली डिलीवरीज हो गई है, उन केसेस के अंदर हमको ट्रैवलिंग हर हालत में अवॉइड करनी चाहिए। अदरवाइज प्रिंसिपल ये है कि अगर आप कार की ट्रैवलिंग करते हैं और आपका डिस्टेंस 2 घंटे से ज़्यादा है तो हमको हर 2 घंटे 1.5-2 घंटे में थोड़ा सा गैप लेना चाहिए, जिससे कि आप थोड़ा सा चल लें तो आपका सर्कुलेशन रीस्टैब्लिश हो जाता है और एक पोजीशन में कोई भारीपन नहीं रहता। तो इसका थोड़ा सा मूवमेंट ज़रूरी है, आप जब भी कार की ट्रैवलिंग करें तो उसको थोड़ा थोड़ा ब्रेक करके करना चाहिए। जहाँ तक एयर ट्रैवल का सवाल है, एयर ट्रैवल आज की तारीख में जो बड़े बड़े जहाज़ हैं उसमें ट्रैवलिंग बहुत ही सेफ हो गई है, इसमें कोई प्रेशर वगैरह की प्रॉब्लम नहीं रहती है। पर अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस एयर ट्रैवल है उस केस के अंदर चांसेस रहते हैं कि अगर आप वीनस थ्रोम्बोसिस की प्रॉब्लम हो जाती है, इन केसेस के अंदर इनको एक स्पेशल स्टॉकिंग्स पहननी चाहिए, प्रेगनेंसी के दौरान अपना खूब सारा पानी पीना चाहिए, हाइड्रेशन अच्छी तरह रखनी चाहिए और हर घंटे में उनको आइल्स में एक बार चक्कर लगा लेना चाहिए। तो ये चीज़ अगर ये प्रिकॉशंस लेते रहेंगे तो इवन लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवलिंग ये लोग आराम से कर सकते हैं। जब भी आप लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवलिंग करते हैं, इसका मतलब आप एक शहर से दूसरे शहर में जा रहे हैं या एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं, तो आपको अपना मेडिकल रिकॉर्ड कम्प्लीटली ले जाना चाहिए। इसका मतलब है आपके जो एंटीनेटल रिकॉर्ड है, जो आपके अल्ट्रासाउंड्स हैं, आपकी जो मेडिसिन आप ले रहे हैं उन सब का आपको रिकॉर्ड ले जाना चाहिए। इसके अलावा गायनोकोलॉजिस्ट से आपको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है कि क्या ये प्रेगनेंसी सेफ है ट्रैवल करना। तो ये जैसे 34 वीक्स के बाद ट्रैवलिंग अलाउड नहीं है एयरलाइंस में, तो ये सर्टिफिकेट गायनोकोलॉजिस्ट को देना पड़ता है कि आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं। इस दौरान डॉक्टर से सच्चा साथी कोई नहीं, तो कभी भी डॉक्टर की बताई किसी भी सलाह को नजरअंदाज मत करना, क्योंकि उनकी हर सलाह तुम और तुम्हारे बच्चे के लिए ही फायदेमंद साबित होगी।